महालक्ष्मी की पूजा ऐसे नियमित रूप से होती है, करनी चाहिए, लेकिन दीपावली में महालक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। आइए शुरुआत करने से पहले सब जानते हैं कि महालक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इसमें क्या हमको सामग्री चाहिए। तो दर्शकों, महालक्ष्मी जी को स्वच्छता, उजाला, प्रकाश, सुगंध और मिठाई ये सब प्रिय है। महालक्ष्मी जी की पूजा में सुगंधी फूल, इत्र, दिए, गाय के घी का दिया, तिल के तेल का दिया, ये सब इसका अवश्य उपयोग होना चाहिए। आइए जानते हैं महालक्ष्मी की पूजा में हमको कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। दर्शकों, महालक्ष्मी की पूजा में हमको महालक्ष्मी जी की नई मूर्ति, महालक्ष्मी जी की तस्वीर, भगवान गणेश की नई मूर्ति, भगवान गणेश की तस्वीर, चावल, फूल, हार, कमल का फूल, कमलगट्टा, पंचमेवा, जनेऊ, मिठाई, पंचमेवा, वस्त्र, उपवस्त्र, श्रृंगार आदि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पंचामृत, अबीर, गुलाल, कुमकुम, चंदन, कमलगट्टा, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। दीप हमने प्रज्वलित किया हुआ है, भगवान को हम दीप अर्पण करेंगे। आद्यम च वर्ति संयुक्तम वनिनायोजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यम तिमिरापहम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धिशतम महागणाधिपतये नमः दीपकम दर्शयामि। उसके बाद में भगवान गणेश को धूप अर्पण करेंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तम आग्रह्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रति गृह्यताम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धिशतम महागणाधिपतये नमो नमः। धूपम आघ्रापयामि, नमस्कारं समर्पयामि, नमस्करोमि च। दर्शकों, आइए अब महालक्ष्मी की पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी जी का ध्यान और आह्वान करेंगे। थोड़े फूल और चावल लेकर महालक्ष्मी जी का ध्यान और आवाहन करेंगे। अक्षस्र परशुम गदे शुकुलिशम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम च चर्म जलजम घंटाम सुरावाजनम शूलम पाश सुदर्शने च ददतिम हस्तै प्रसन्नाननाम सेवै सैरिवमर्दिनीम इह महाम लक्ष्मीं सरोजस्थितम। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे गंधार्थे पुष्पाणिम समर्पयामि। दर्शकों, दीपावली के समय पर महालक्ष्मी के पूजन के लिए हमें स्वर्ण का या फिर चांदी का एक महालक्ष्मी जी का सिक्का अवश्य नया लेना चाहिए और इस नए सिक्के पर हर साल महालक्ष्मी पूजन होना चाहिए। अब महालक्ष्मी जी का अभिषेक करना है। महालक्ष्मी जी का अभिषेक करने से पहले उनकी मानस पूजा करेंगे। ओम लं पृथ्वीआत्मकम अर्पयामि रुचिरम गंधम हमभ्रात्मकम पुष्पम यम मरुदात्मकम च सुरभि धूपम विदूतागमम रं वह न्यात्मक दीपकम वमृतत् मानम च नैवेद्यकम लक्ष्मी मानसिकान गृहाण रुचिरान पंचोपचारान मुन ओम भूर्भुवस्वः आवस्थापित महालक्ष्मी नमो नमः। अभिषेक पूर्वार्थे मानस पूजार्थे अक्षताणिं समर्पयामि पुष्पम च समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि नमस्करोमि च। कोई भी पूजा या अभिषेक के बाद जो तीर्थ है उसका आचमन हमें अवश्य करना चाहिए, इससे ही हमको पूजा का फल मिलता है। दर्शकों, इसके बाद महालक्ष्मी जी को नैवेद्य के लिए, उनको भोग लगाने के लिए हमने पंचमेवा, मिठाई आदि सब लाया है। हम महालक्ष्मी जी को प्रार्थना करेंगे कि आप यह सभी द्रव्य का, इन सभी भोग का स्वीकार कीजिए। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधीक्षर कृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रति गृह्यताम ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम भूर्भुवस्व महालक्ष्मी नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते शुद्धोदक स्नानं सर्वशुद्ध आचमनं जलं च समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व महालक्ष्मी नमो नमः। नैवेद्यान्ते आचमनं जलं च समर्पयामि। फिर से महालक्ष्मी जी को आग्रह करके एक बार फिर से भोजन कराएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम भूर्भुवस्व महालक्ष्मी नमो नमः। शुद्ध आचमनं जलं च समर्पयामि। दर्शकों, भोग लगाने के बाद, महालक्ष्मी जी को नैवेद्य देने के बाद उनको मुखवास के रूप में हमें पान का बीड़ा जिसमें लवंग और थोड़ी सुपारी होती है यह अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य के बाद इसका ग्रहण करने से पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी रहती है। ओम पूगी फलम दिव्यम नागवली दलेरुतम इलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रति गृह्यताम ओम भूर्भुवस्व महालक्ष्मी नमो नमः। नैवेद्यान्ते
भोगी फलम आदि द्रव्यम च समर्पयामि। इसके बाद महालक्ष्मी जी को हम कुछ दक्षिणा रख रहे हैं ऐसी भावना करके थोड़े चावल रखने और हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभाव स्वानंद पुण्य प्रथम तो भी अर्पयामि हरिप्रियाम। दर्शकों, ये हुआ महालक्ष्मी पूजन। लेकिन महाकाली और महासरस्वती की पूजा के बिना महालक्ष्मी की पूजा अधूरी है, क्योंकि यदि महासरस्वती यानी कि ज्ञान, यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं तो ऐसा व्यक्ति महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को यदि धन मिल भी जाए तो भी वह उसके पास टिकता नहीं।